हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से आपको कोई ना कैसी वास्तु टिप्स बताते हैं या कोई ना कैसा उपाय बताते हैं घरेलू, जिसके माध्यम से आप अपनी छोटी छोटी समस्याओं को घर पर ही दूर कर सकते हैं। जैसे वास्तु में आपने किस सामान को कहाँ पर रखना चाहिए, टूटी हुई तस्वीर आपको नहीं रखनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको टूटा हुआ घर पर नहीं रखना चाहिए, और पूजा पाजा के सामग्री में आपको क्या क्या शामिल करना चाहिए, किस दिन की पूजा करनी चाहिए, किस दिन कौन सी पूजा करें, शनिवार को क्या रखना चाहिए, बुधवार को क्या रखना चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से अगर आप करते हैं तो आपको घर में सुख शांति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है और आपके लिए विकास के नए द्वार खुलते हैं। जो होती है अपॉर्चुनिटी आपको ज़्यादा मिलती है, आपके दरवाजे पर बार बार नए नए प्रकार के व्यापार धंधों के लेकर आपको अवसर मिलती है। तो ऐसा ही एक छोटा सा उपाय हम आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप लक्ष्मी माँ को अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि हमारे तो धंधे ही ठीक नहीं चल रहे हैं, तो उन धंधों को आप ठीक करने के लिए, काम धंधों को और भी बेहतर बनाने के लिए आप ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते हैं, जो जो भी दिन आप अपने लिए बेहतर मानते हैं, सोमवार को करें, मंगलवार को करें, बुधवार को करें, किसी भी दिन आप ये काम धंधा ये के लिए ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है आपको दोस्तों, आपको लाल कपड़ा लेना है, उसके ऊपर पीली रंग की कौड़ी लेकर आनी है, क्योंकि आप जानते हैं माँ लक्ष्मी को पीले रंग की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, और पीले रंग की कौड़ी लेकर आनी है। और साबुत हल्दी लेनी है, गांठ है ये हल्दी की, साबुत हल्दी गांठ है। अगर आपको काली हल्दी मिल जाती है तो और भी ठीक रहता है, लेकिन आप इससे भी आपका काम हो जाएगा। तो करना क्या है आपको, इनको रखना है, इनकी अच्छी तरीके से पूजा पाठ करनी है। पहले इनको अपने घर पर पूजा पाठ करेंगे, घी का दिया जलाएंगे, पूजा पाठ करेंगे अपने मंदिर की, जो नित्य क्रिया काम करने के बाद में, उसके बाद इनको चुपचाप जाकर आप किसी भी माता रानी के मंदिर में तस्वीर पर छोड़कर आ जाएंगे, चाहे वो काली माता का मंदिर हो, चाहे वो शेरावाली का मंदिर हो, या माता लक्ष्मी का मंदिर हो, कोई भी माता रानी का मंदिर हो, क्योंकि माँ हमेशा माँ होती है। उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका एक ही होता है कि वो माँ है। वो जो जब माँ देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है दोस्तों, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें पूजा पाठ करने के बाद माँ के चरणों में अर्पित करके आना है। लेकिन हाँ, सिर्फ जाना, चुपचाप जाना है और वापस रख के चुपचाप आ जाना है। मन में आपको सिर्फ एक ही बात धारण रखनी है कि हाँ माँ, सिर्फ मेरी ये सारे काम बना दे, मैं आपका छोटा सा दास बना रहूंगा। तो यह एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है अभी, तो इसको और अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्त शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं दोबारा से फिर दोहराता हूँ दोस्तों, लाल कपड़ा, पीले रंग की कौड़ी और हल्दी की गांठ, इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से पूजा पाठ करने के बाद आपको सिर्फ गांठ ना मारे कभी भी, ऐसे करके आपको मंदिर में इसे छोड़ कर आना है, ताकि आपके सारे काम धंधे की जिम्मेवारी माता के चरणों में चली जाए। थैंक यू।